मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरपीएस ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट्स, टुडे आई एम स्टार्ट चैप्टर 9 बीसेफ। स्टूडेंट्स, आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ चैप्टर 9 बीसेफ। बीसेफ मीन्स हम लोग कैसे सुरक्षित रहते हैं, वो इसके बारे में पढ़ना है कि बीसेफ हम लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे। तो वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल टू बीसेफ। हम लोग सुरक्षित कब रह सकते हैं, जब हम कुछ रूल को फॉलो करेंगे। तो वो रूल क्या है, वो रूल कहाँ कहाँ हम लोग को फॉलो करना है, आज ये आप लोगों को पढ़ना है। ओके, तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बताने जा रही हूँ कि हम लोग जब घर पे रहते हैं तो कैसे सेफ्टी रह सकते हैं, सुरक्षित हम कैसे रह सकते हैं, वो आपको पहले बताएं। तो सबसे पहले डू नॉट लाइट द गैस स्टोव। बहुत सारे बच्चे का क्या आदत है कि जब घर में पेरेंट्स नहीं रहते, अपने से बड़े नहीं रहते, भाई बहन नहीं रहते, तो उन लोगों को क्या आदत है गैस स्टोव छूने का, मीन्स लाइटर से गैस जलाने का, जो बहुत गलत है। उससे आप जल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए जब भी घर पे रहें तो क्या गैस को नहीं जलाएं। ओके, सेकेंड क्या है, डू नॉट स्विच ऑन द इलेक्ट्रिक एप्लीकेशन। सबके घर में स्विच बोर्ड लगा रहता है, इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड लगा रहता है, या मान लीजिए कोई आयरन उसका स्विच लगा के छोड़ दिया रहता है, तो उस समय बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उसे छूते हैं, है ना। तो बहुत गलत बात है, जब भी आप इलेक्ट्रिक को छूते हैं कि अपने हाथ से, तो उससे आपको करंट लगने का डर लगता है। वो करंट लग जाएगा तो आप घायल हो जाएंगे। तो इसलिए आप जब भी हो, अकेले हो या घर में और भी हो, तो आप लोग कभी भी इलेक्ट्रिक सामान अपने हाथों से नहीं छुए। ओके, सेकेंड चीज क्या है, डू नॉट प्ले विथ टूल्स एंड शार्प थिंग्स। सबके घर में शार्प और थिंग्स और टूल्स जरूर रहता है, जैसे चाकू हुआ, हाँ, उसके बाद ब्लेड हुआ, कांटे हुआ, जो नुकीला सामान हो या फिर शार्प थिंग्स हो, तो उसको हम लोग क्या करना चाहिए, नहीं छूना चाहिए। क्यों, अगर आप उसे छूते हैं, उसके साथ खेलते हैं, तो उससे आपका हाथ पैर कुछ भी कर सकता है। इसीलिए उस शार्प थिंग्स को हम लोग को नहीं छूनी चाहिए। ओके, अब क्या था, डू नॉट टेक मेडिसिन ऑन योर ओन। आपके घर में जो भी बड़े हो, या आपके फादर मदर हो, या आपके बड़े भाई बहन हो, या डॉक्टर, बिना किसी के सलाह के आप क्या करते हैं, मेडिसिन नहीं खाएं। ओके, अब ये तो हुआ आपका सेफ्टी एट होम। ओके, अब क्या है, सेफ्टी ऑन रोड। अब आप किस प्रकार रोड पे सेफ्टी रह सकते हैं, वो आप पढ़ना है। तो जब आप भी रोड पे चले तो हम लोग को कैसे सुरक्षित रहना है, ये मैं बताने चल रही हूँ। वॉक ऑन द फुटपाथ। जब भी आप रोड पे चले, चाहे आप स्कूल आते हो या मार्केट जाते हो, तो आप लोग को अक्सर फुटपाथ पे ही चलना चाहिए। ओके, सेकेंड क्या है, फॉलो द ट्रैफिक लाइट। और अक्सर हम लोग को जो ट्रैफिक लाइट बनाया जाता है, उसके नियम बनाए जाते हैं, रूल बनाए जाते हैं, उसको फॉलो करना चाहिए, है ना। और डू नॉट रन ऑन द रोड। बेवजह हम लोग को रोड पे रन नहीं, दौड़ना नहीं चाहिए, नहीं खेलना चाहिए। ओके, अगर आप रोड पे दौड़ते हो या खेलते हो, तो उससे क्या होता है, आपको चोट लग सकता है, किसी भी गाड़ी से ठोकर लग सकती है। इसलिए डू नॉट रन ऑन द रोड, रोड पे नहीं दौड़नी चाहिए। अब क्या है, क्रॉस एट द जेब्रा क्रॉसिंग। और अक्सर हमें जेब्रा क्रॉसिंग पे ही क्रॉस करना, क्योंकि हर शहर में जेब्रा क्रॉसिंग क्यों बनाया जाता है, ताकि आप एक साइड से दूसरे साइड वहां से क्रॉस कर सके। ओके, तो ये है आपका सेफ्टी रूल कि आपको घर पे कैसे सेफ्टी रहना है, आपको रोड पे कैसे सेफ्टी रहना है। इसके अलावा अब क्या है, फर्स्ट एड बॉक्स। वो तो मालूम ही होगा कि फर्स्ट एड बॉक्स क्या है, उसमें क्या क्या चीज रखे रहते हैं, पाए जाते हैं। तो फर्स्ट एड बॉक्स कंटेंट, उसमें क्या क्या सामान रखा जाता है, वो आप लोग को मालूम है। तो उसमें जैसे जो भी
जनरल से जब इंजर्ड हो जाते हो या बीमार पड़ जाते हो तो उस फर्स्ट एड बॉक्स में जो सामान रखा जाता है उसके बारे में पढ़ना। तो डिटॉल हुआ, मेडिसिन हुआ या बैंडेज हुआ, हर के घर में सेफ्टी के लिए